मोहब्बत के दिमाग पर असरात। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि मोहब्बत करने से इंसान के दिमाग पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। ये मेरी स्पेशल वीडियो है, उम्मीद है पसंद आएगी। पहली बात, नींद का ना आना या कम आना। तहकीक से ये साबित हुआ है कि अगर आपको प्यार हो जाता है तो आपको या तो नींद कम आएगी या नहीं आएगी, और आपके ख्वाब देखने की शरह में भी इजाफा हो जाएगा। यानी नींद कम आने के बावजूद आप अक्सर ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। दूसरी बात, पहला प्यार। तहकीक से ये भी साबित हुआ है कि औरत हो या मर्द, अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलता, खासकर औरत, चाहे वो प्यार मिले या ना मिले। तीसरी बात, मकनातीसियत। आपको यह सुनकर भी काफी हैरत होगी कि 16 साल की उम्र में या इसके आसपास 75% तक लड़का या लड़की ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो कि शादीशुदा होते हैं, भले ये मिलना वक्ती हो या किसी और मकसद से। तहकीक से यह भी साबित हुआ है कि वजह इसकी मकनातीसियत है, जो कि मर्द और औरत के दरमियान होती है। चौथी बात, याद आना। अगर कोई आपको मिस करे या आप उसको मिस करें, तो 85% इम्कानात हैं कि आपको उससे या उसको आपसे प्यार हो गया है। पांचवी बात, प्यार की इब्तिदा। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इससे पहले कि आपको कोई अच्छा लगे या प्यार करे, इससे पहले ही आप किसी को अच्छे लगने लगते हैं और वो आपसे दिल ही दिल में प्यार करने लगता है। छठी बात, इजहारी मुश्किल। एक अजीब बात यह भी देखने को मिलेगी, जिस पर से मैं पर्दाफाश कर देता हूं कि आप जिसे पसंद करेंगे या चाहेंगे, वो लड़का हो या लड़की, दोनों एक दूसरे से इजहार नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस बात के यकीनी इम्कानात होंगे कि दोनों ही एक दूसरे से शिद्दत से प्यार करते हैं। सातवीं बात, जतन। और आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि जब आप इस सिलसिले में कि मैं इजहार कैसे करूं किसी से मशवरा करेंगे, तो वो आपको तोड़ेगा और मना करेगा। हालांकि इजहार इतना मुश्किल काम नहीं, गर्ज ये कि इतनी सी बात के लिए आपको बहुत जतन करने पड़ेंगे। आठवीं बात, तरप। और दोनों ही मिलने के लिए तरपेंगे। इस तरप में उसमें बहुत जल्द बहुत सी तब्दीलियां होती दिखाई देंगी। या तो वो बेचैन, बेकरार और परेशान रहने लगेगा, या वो उसको पाने के लिए अपने अंदर बहुत सी चेंज लाएगा या लाएगी। नवी बात, खूबसूरत लम्हात। ये भी अजीब बात है कि अक्सर लड़के लड़कियां जब पहली बार मिलते हैं तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। साइंस की तहकीक के मुताबिक वो ऐसा महसूस कर रहे होते हैं जैसे हवाओं में उड़ रहे हों। कहते हैं कि ये जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हात होते हैं। दसवीं बात, रिवाइंड एंड प्ले। इंसान इस उम्र में उन गुजरे लम्हात को बार बार ख्यालों में प्ले करके देखता है, जिससे उसे खास किस्म की तस्कीन और सुकून मिलता है। 11वीं बात, दर्द। यह भी अजीब बात है कि प्यार में इंसान को सुकून से ज्यादा तकलीफ से गुजरना पड़ता है, इसके बावजूद हर इंसान ये गलती करना चाहता है, और इसका दर्द भी बड़ा अजीब होता है। इसका इलाज किसी के पास नहीं होता सिवाय उसके महबूब के। 12वीं बात, ज़हनी डिस्टर्ब। अगर प्यार में आप किसी को खो दें तो आप ज़हनी तौर पर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, इतना डिस्टर्ब के जिसको बयान करना नामुमकिन है। 13वीं बात, खैर नहीं है। अगर आपको प्यार का रोग लग चुका है और नाकाम होने के खदशात हैं और आप परेशान हैं और इस दौरान आपको कोई छेड़ दे, तो उसकी खैर नहीं है। 14वीं बात, अजीब बात। समझदार लोग प्यार तभी करते हैं जब उसे पा लेने की कभी उम्मीद हो, इसलिए दिल लगाने से पहले सब फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि वो उसे हासिल कर लेगा हर सूरत में, फिर वो प्यार करते हैं। ऐसे लोगों की तादाद सिर्फ 1% होती है ना अजीब बात। 15वीं बात, मौत। कुछ लोग प्यार इसलिए नहीं करते कि वो उसके मुजर असरात से अच्छे से वाकिफ होते हैं, उन्हें अच्छे से इस बात का इल्म होता है कि नाकामी की सूरत में
मौत आसान लगेगी जिंदगी से। सोलहवीं बात, सोचने का रेशो हैरत अंगेज। आपको यह सुनकर भी हैरत होगी कि 13 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक के अक्सर लड़के लड़कियां सारा दिन एक दूसरे के मुतालिक सोचते रहते हैं, चाहे वो प्यार करे या ना करे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।